और महिला ने अपने कपड़े उतारने से वहां पर पूरी तरीके से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मना कर दिया। और महिला का मना करने के बाद ये कंटेंशन था कि अगर यहां पर कोई महिला मजिस्ट्रेट होती तो मैं उनके सामने कपड़े खोलने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरा स्टेटमेंट है जिसमें मैंने अपने बॉडी इंजरीज मार्क वगैरह के बारे में बताया है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग आप चेक कर सकते हैं जो डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट में कुछ इधर उधर कर रही हूं तो आप किसी भी फीमेल जज को बुलाइए, मैं उनके सामने अपने क्लोथ्स को क्या कर सकती हूं, रिमूव कर सकती हूं, लेकिन आपके सामने नहीं करूंगी। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर पुलिस इस मुद्दे को लेकर कहां पहुंचती है, पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसके बाद उनके ऊपर 345 के अकॉर्डिंग, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एज वेल एज SC ST एक्ट के तहत जो है FIR रजिस्टर की जाए। तो ये जो है पूरा केस हमें पूरी तरीके से हमारे लॉ को एज वेल एज जज की जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। अभी FIR रजिस्टर की गई है, अब कोर्ट इसको जो है बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने वाला है। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर हमारा कानून देता है तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरीके का पावर किसी भी कानून में किसी भी मजिस्ट्रेट को नहीं दी गई है। मजिस्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लेने की पावर है, वो ले सकते हैं।